ये देखो, ये दोनों स्टोरी बुक में ड्राइंग कर रहे हैं, कलरिंग कर रहे हैं। ये जो मान्या के साथ लड़की है वो मान्या की कज़न है। वेकेशन में हम लोग यहाँ घूमने आई है। और ये देखिए, दोनों ने मिलके कमरे का क्या हालत करके रखा है। तो वेलकम टू माय चैनल इंडियन ब्लॉगर जोली। तो आज है फ्राइडे और मैं आज फिश बनाने वाली हूँ लंच में। और साइड में जो है वो फिश का तेल है, वो खाने में बहुत यम्मी लगता है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने दोनों साइड में कढ़ाई चढ़ा दिया है। तो मैं एक साइड में भिंडी को फ्राई करूँगी। और यह साइड में मैं फिश को भी फ्राई करूंगी। तो यहाँ पे मेरा प्याज भून चुकी है, तो मैं यहाँ पर भिंडी और आलू डाल दूंगी एक साथ। तो मैं इसे थोड़ी देर फ्राई कर लूंगी। हल्दी और नमक मैं बाद में ऐड करूंगी इसमें। और मैं यहाँ पर फिश को भी एक बार पलट दूंगी। फिश मेरा फ्राई हो चुकी है, तो मैं निकाल लूँगी उसको एक एक करके। तो मैंने जो अभी आलू काट रही थी वो आलू को मैंने इस तरह से काटा है लंबी लंबी करके। इसको भी फ्राई कर लूँगी क्योंकि मैं आज फिश आलू में बनाने वाली हूँ, आलू और टमाटर के साथ। तो मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया थोड़ा और हल्दी भी कलर के लिए। तो इसको थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी मैं। और यहाँ मेरा भिंडी भी फ्राई हो चुकी है। हमारा आलू फ्राई हो चुकी है, तो मैं इन्हें निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने अदरक का पेस्ट लिया है, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। और इसे थोड़ा पानी डाल के स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। जिस तेल में आलू को फ्राई किया था उसी तेल में मैंने तेज पत्ता, दो सूखी मिर्ची और कलौंजी ऐड कर दूंगी और इसे अच्छे से फ्राई कर दूंगी। और उसके बाद जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो इसमें ऐड कर दूंगी और थोड़ी से नमक ऐड करूंगी इसमें। और इसे थोड़ी देर फ्राई करूंगी जब तक तेल ऊपर ना आ जाए। तो ये सारा तेल ऊपर आ चुकी है। तो मैंने यहाँ पर टमाटर काट के रखा है, ठीक आलू के साइज़ का ही काट के रखा है। तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी, अच्छे फ्राई कर लूँगी थोड़ी देर। और जो मैंने आलू फ्राई करके रखा है वो भी मैं डाल दूँगी इसमें। मुझे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है और मैं साथ में फिश को भी ऐड कर दूँगी। और इसे ढक कर मैं थोड़ी देर उबलने के लिए रख दूंगी। और मैं यहाँ पर फिश की जो तेल मैंने आपको दिखाया था वो फ्राई करूँगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया है, इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी मैं। प्याज मेरा फ्राई हो चुकी है,
मैं यहाँ पर दो हरी मिर्च डाल दूँगी और जो ये तेल है वो मैं इसमें डाल दूँगी। तो अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ, इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। साथ में मैं इसमें हल्दी और नमक ऐड कर दूँगी। इसे ढक के थोड़ी देर में फ्राई करूँगी। ये सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट हो चुकी है तो मैं इसमें धनिया पत्ता ऐड करूँगी। तो ये सब्ज़ी हो चुकी है मेरी। तो ये फिश का तेल भी बन चुकी है। तो हम लोगों ने लंच कर लिया है, उसके बाद मैं किचन की थोड़ी सी सफाई करने आई हूँ क्योंकि फिश बनाने के बाद पूरा किचन ना ऑयली ऑयली हो जाती है और स्मेल भी ज़्यादा होता है, तो इसके लिए मैं अच्छे से साफ कर लूँगी। उसके बाद मैं एक गीले कपड़े से एक बार पोंछ लूंगी। तो मैं हमेशा खाना बनाने के बाद मैं सिलेंडर को ऑफ करके रखती हूँ। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलती हूँ मैं आपको मेरी नेक्स्ट ब्लॉग पर। टिल देन टेक केयर।
लव यू।